बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? तो बाहर जाने से पहले जो ना मेरा यही मेकअप होता है कि बस मैं लाइट सा ग्लोस लगा लेती हूँ, और आजकल क्योंकि मौसम भी काफ़ी ड्राई हो रहा है ना, तो ग्लोस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और टिंट जो है ना वो तो मेरा है ही मोस्ट फेवरेट। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ परफ्यूम वैक्स, जो कि पिंक लेडीज़ की खुशबू का नाम है, और ये चिल्टन प्योर की, जो कि आजकल मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो रखी है, क्योंकि मुझे खुशबू वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो परफ्यूम हो, इतर हो या परफ्यूम वैक्स हो, लेकिन इसकी खुशबू बहुत आला है। तो इसको जो है ना आप अपने हाथों पे लेके जो है ना आराम से इसको अपने नेक पे मल लें, और थोड़ा सा स्काफ पे लगा लें, और उसी के हाथ को जो है ना मैं अपने बाएं पे भी लगा लेती हूँ, तो लॉन्ग लास्टिंग खुशबू है, काफ़ी देर तक रहती है और बहुत ही प्यारी खुशबू है। तो अगर आप लोग भी इस परफ्यूम वैक्स को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग लगाएंगे ना टेन गुड़िया, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं चाय पापे खा रही हूँ, मुझे कुछ खिला दें पहले, भूख लग रही है। रिजल्ट सही नहीं आ रहा मोबाइल का तुम्हारे? अच्छा, खुद की सही नहीं आ रही तो रिजल्ट सही नहीं आ रहा। वाह भाई वाह, रिजल्ट सही है। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही आ रहा है, मोबाइल का बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है, चमकता धमकता हुआ बिल्कुल सही आ रहा है। थर्ड क्लास में मेरा मोबाइल कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बेकार रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल बेकार। अच्छा कुछ खिला दें, पाप की चाय खाए हैं, टक्का बिस्किट खा लो, तब ऐसी भी नहीं हो रही। चाय पापे की बाकर खानी खा लो, बाकर खानी क्या? नहीं भाई, चाय पापे खिला दे, बाकर खानी खा लो, चाय वो चाय पापे खिला दे, क्या हो गया, क्या बोल रही हो? बाकर खानी खा लो, बाकर टन चल रही हूं मैं सुबह से, थोड़ी ये वाकई सुबह से टन है, टन नहीं टन गाड़ी में गई, चाय पापे खाए हो, चाय पापे खिला दो। अजीब है भाई, कुछ खिला दे, भूख लग रही है, शायद चाय पापों का असर हो रहा है अच्छा टाइम ऐसा हो रहा है ना कि कुछ प्रॉपर खाने खाने का भी दिल नहीं कर रहा, और भूख भी लग रही है, तो मैंने कहा चले पैटिस ले लेते हैं और जूस पी लेते हैं। तो खैर अभी जो है ना हम लोग जा रहे थे हसन की, क्योंकि बर्थडे आ रही है, तो डिसाइड नहीं हो पा रहा था बर्थडे, वैसे तो उसकी 3 से 4 दिन हो गए, उससे पहले ही थी, लेकिन बीच में जो है ना अभी बच्चों के मंथली टेस्ट वगैरह चल रहे थे, और फिर घर पे अम्मी के, आप लोग देख ही रहे होंगे ब्लॉग्स अंबर और मोहतर के घर पर काम वगैरह काफ़ी छिड़ा हुआ है, तो बस मोहतर ने फिर आगे बढ़ा दिया था, तो अभी देखते हैं कि कल या परसों, हाँ ऐसे ही होगा, या तो कल होगी या तो परसों होगी, तो वो उसी के हिसाब से जो है ना गिफ्ट वगैरह लेते हैं। आप नहीं खा रहे? शिजान तो बिल्कुल मत लेना, ना नेस ले लेना, आप भी ले रहे? ये आई थिंक पाकिस्तानी है जहाँ तक मैं समझती हूँ। क्या लिखा है? फैसलाबाद पाकिस्तान, कोड भी इसका 964 है। हाँ पाकिस्तानी है, कोड से क्या होगा 964? कोड इसका इसराइली कह रहे हैं ना, 7 7 8 आई थिंक ऐसे है कुछ, जो इसराइली उसका उसका कोड अलग है। खा ले थोड़ा, किस किस को पसंद है मेरी तरह जूस और पेटिस? ये नहीं खाते लेकिन मैं खाती हूँ, क्यों नहीं खाते ऐसे? खुदा हुआ है, ओहो कितना डेंजरस हो रहा है, तो पहले ही चले गए। हम लोगों ने जो है ना सबसे पहले स्टार्ट जो लिया था ना हसन की बर्थडे शॉपिंग का, वो लिया था आटोबान से, और हम लोग आए थे ब्रेकआउट बड़ी कोई उम्मीदों के साथ कि यहाँ से जो है ना कपड़े अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हम जो सोच कर आए थे ना, हमारी सोच से थोड़ा सा जो है अलग थलग सा जो ना हुआ कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी भी हम लोगों को समर कलेक्शन ज़्यादा दिख रही थी, और विंटर्स के जो है ना मतलब कि वो कहते हैं ना कि नाम बड़े हैं, और वो क्या कहावत होती है, बस नाम ज़्यादा यानी कि कुछ चीज़ों का हो जाता है, और जब जाओ तो ना वो चीज़ें नहीं दिख रही होती जो कि हमें और दुकानों पे यानी कि ज़्यादा दिख जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे यार कि पता नहीं कितनी हमें वैरायटी यहाँ पे दिख जाएगी, लेकिन सच्ची में अभी कोई इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी, और जो था ना
हमें देना था विंटर के हिसाब से, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं तो फिर सर्दी के हिसाब से होता है। अच्छा, ये जो मैं अभी आप लोग को हुडीज़ और स्वेटर्स वगैरह दिखा रही हूँ ना, ये वीडियो में तो फिर भी अच्छे लग रहे हैं इनके कलर्स, लेकिन रियल में जब हम लोग इनको देख रहे थे ना, तो क्वालिटी को इतनी ख़ास नहीं थी और इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। यानी कि होता है ना कि बच्चों के कपड़े जो एकदम अट्रैक्शन होती है, देखते ही अच्छे लग रहे होते हैं, ऐसे प्यारे प्यारे कलर होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, तो ये वीडियो में तो फिर भी बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रियल में क्योंकि मैंने हाथ से इनको देखा था ना, हाथ से चेक करके कपड़ों को, तो इतनी अच्छी नहीं क्वालिटी थी। खैर भी हम लोग चांदनी के कलर गए, यहाँ पे मुझे फिर भी ब्रेकआउट से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लगी, लेकिन जो था ना मुझे यहाँ पे एक सूट बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी तो वो जो है ना उनमें साइजेस थे। अच्छा, ऐसा सूट जो था ना, मैं ऑलरेडी हसन को आई थिंक इसकी जो पिछले साल वाली बर्थडे थी उसमें या फिर उससे भी पहले की बर्थडे में मैंने ऐसे ही मिलता जुलता सूट दे रखा था, तो फिर मैंने मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा था दोबारा से, लेकिन फिर मैंने ये छोड़ दिया। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि ये सूट मुझे इतना कोई अच्छा लग रहा था, इसका कलर वगैरह हर चीज़ अच्छी थी, लेकिन जो है ना इसकी जो पैंट थी ना वो जीन्स में नहीं थी, और इसका जो स्टफ़ था ना वो काफ़ी लाइट हल्का वाला, यानी कपड़ा था, कपड़े का जो स्टफ़ होता है ना, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, सर्दियों में जो है ना जीन्स अच्छी लगती है। खैर, फिर मैंने बहुत प्यारा सा सूट उसका लिया था, इंशाल्लाह वो आप लोगों को मुअत्तर दिखा देगी अपनी वीडियो पे, तो आप लोग देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग आए थे सौगाते श्री, और यहाँ पे बड़ी कोई हम लोगों को मुख्तलिफ और अलग तरीके की मिठाइयाँ नज़र आईं, जो कि लोग कह रहे थे कि इंडियन मिठाइयाँ हैं, तो अगर इंडियन से मुझे जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, मुझे बताएगा कि भाई इंडिया में इस तरह की मिठाई मिलती है, पर नहीं, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान में या फिर अपने शहर में जो ना फ़र्स्ट टाइम देखी थी, और देखते ही काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा था, पता नहीं कैसी होगी खाने में, लेकिन जब हम लोगों ने इसको ली ना और जब हमने इसको ट्राई की, तो जवाब जो ना इसका जायका था, मतलब कि गज़ब की मिठाइयाँ थी। तो यहाँ पे बस ना हम लोग अभी अपनी शाम की चाय पियेंगे, शाम को जो है ना हम लोगों ने चाय नहीं पी थी, चाय नहीं पी थी, आज मैं कह रही हूँ ना कि सुबह से टुनकारियों में चल रही हूँ, लफ्स पे लफ्स पता नहीं क्यों चढ़े जा रहे हैं, ठंडी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद पी रहे हैं। क्या चाय का ऑर्डर खोल सकते हैं, वैसे झाग बनाने आते हैं हमको चाय में, झाग वाली चाय, उसमें रखिएगा झाग वाली चाय के अलग से पैसे, झाग वाली चाय वाकई यम्मी, इससे तो मैदा बिल्कुल सेट रहता है, फिट रहता है, फिट अच्छी जगह का लिया मैंने, ओह माय गॉड, नहीं मैंने तो वो फुटपाथ से उठाए थे, जो ये सब पूरी दुनिया का यही अलमिया है कि जो हम खुद करें भाई वो तो बस सबसे अच्छा काम है। मैं मेरे पेटिस तो मेरे तो फुटपाथ से उठा के खाए थे, गंदे लिए थे, आप ही ने लाके दिए थे, तो तुमने जो तरी थी पेटिस, ये जैतून के तरे बने हुए, ये जैतून के तेल, ये जैतून बने हुए, जैतून में बने देसी घी में, ये सामने से भाई पूछते हैं, देसी घी की दुकान है ये, अच्छा हां, समोसे भी देसी घी में खाते हैं, मजेदार है, मजेदार, अच्छा मजेदार होती है, मजेदार होती है, मजेदार, मजेदार, मजे वाली चाय, मजेदार, मजे वाली, मजा आया, मजा, मजे वाले समोसे, हाँ समोसों की तो तारीफ बहुत होगी, अब इसके वो पूरा एक आप कितना शानदार, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इस ये तो मैंने बनाई नहीं है, ये तो स्पेशल आटे से बनाओ समोसा, हमेशा ऐसे का बस भाई सबका यही है, बस हम जो कर ले वही अच्छा है, ओहो, हाँ ओ माय गॉड, समोसा खाना नहीं आता बेचारे मेरे व्यूअर्स को, तो सिखा रहे हैं, सीख लो भाई, क्या किया गड्ढा, और फिर ये इसके साथ खाते हैं, सही जा रहे हैं, ये बात बन रहा हूँ मैं ऐसा ऐसा, क्या ये बात बन रहा हूँ मैं, ये बात क्या कहता है, ऐसे ही करता हूँ, सही है भाई, वाह वाह क्या बात है, विदाउट मैदा, विदाउट मैदा समोसा है यार, याद है वैसे, चाय पे तरबूज नहीं खाते हैं, चाय पे तरबूज नहीं खाते, नहीं मैं तो वाकम तरबूज, तरबूज मिठाई फर्स्ट टाइम देखी वैसे, ये इंडियन मिठाई, इंडियन मिठाई है ना, क्या तो है, भारतीय मिठाई, भारतीय इंडियन मिठाई, भारत की मिठाई, यार चाय पे कैसे खा लेते हैं मिठाई, कैसे तो वो तो पता है मुझे ऐसे ही खाते हैं, लेकिन खा कैसे लेते हैं, वाह यार अच्छी है, नहीं मैं अभी नहीं, अभी चाय है, क्या तरबूज लगेगा, तरबूज खा रहे, आप ही जानता कोई इस मिठाई को, वो कह रहे इंडियन मिठाई है, दिखाओ ये है ऑरेंज मिठाई, ऑरेंज मिठाई, बिकॉज़ ये हाँ
बेहतरीन कसम से, मुझे तो मजा आया। खट्टी खट्टी तो नहीं हो रही तो क्या, ऑरेंज लगेगा, ऑरेंज खा रहे हैं आप? खाओ ऑरेंज, चाय पी रही हूँ मैं, चाय जैसे वो होता है ना संतरा ऑरेंज वाला, अच्छा अच्छा वैसा, उसमें थोड़ा सा वो आ रहा है। हस्बैंड जा रहे थे मुझे घर छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे जो है ना पहले पीकू करवा दें दुपट्टे, हो क्योंकि मुझे पता था कि बस मेरे पास आज ही का दिन और दूसरे दिन जो है ना हस्बैंड को टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बस फिर जो है ना मैं, अच्छा ये सूट जो था ना मेरा, ये था मेरा मरीज जब हम लोग गए थे ना टूर पर, तकरीबन कितने टाइम हो गया, मतलब व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे, तो जब मैं ना मरी से लेकर आई थी, और ये ओरिजिनल जो है ना करंडिया कपड़ा है जो कि बहुत अच्छा कपड़ा है, तो जब से ये सूट रखा हुआ था मैंने जो ना इसको स्टिच करवाया। अच्छा कहते ना कि देखिए हमें पता नहीं होता कि कोई सी चीज़ हम जब कर रहे होते हैं तो वो किस दिन के लिए होती है, तो खैर ये सूट जो है ना मैंने अभी भाई आज जो है ना थोड़ा बर्दाश्त कर लें, बस मेरे लफ्ज़ जो है ना आज कल काफ़ी चढ़ रहे हैं, सूट को सिट ऐसे ही हो रहा है, तो खैर ऐसा होता है कभी कभार। तो जो है ना मेरा ये सूट मैंने स्टिच करवाया, और जो है ना इसका दुपट्टा नहीं था, तो फिर मैंने ये दुपट्टा जो है ना लेके इस पर पीको करवाया, और कहानी क्या थी इसको पीको करवाने की ये मैं अभी बताती हूँ। का ना अच्छा ये पीको करवाई थी मैंने दुपट्टे पे, इसकी मैचिंग ही नहीं मिल रही थी। अच्छा एक दुपट्टा ना टाई एंड डाई का मुझे हो रहा था, लेकिन उसमें एक तो वो दो दिन मांग रहे थे टाई एंड डाई के लिए, और वो दुपट्टा सिर्फ और सिर्फ जो है ना मुझे 1500 का पड़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। फिर मैंने क्या करा कि मैंने ना सिंपल इस कलर का दुपट्टा लिया और पीकोस की फिर ऐसे करवा ली, तो बस थोड़ा सा मैंने सुगड़पना दिखा दिया था क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। अच्छा मैं जो ना स्कार्फ इसका लेकर आई थी ये वाला, लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्लू पे ब्लू जो है ना वो इतना मज़ा नहीं करेगा। अच्छा खैर वो हेल्पर ने बुला लिया था तो वीडियो मेरी अधूरी रह गई। अच्छा तो मैं बता रही थी कि मैं जो है ना ये वाला स्कार्फ इसकी जो मैचिंग का लाई थी ना वो ये लाई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, तो फिर मैंने ये पिंक ये वाला, ये बिल्कुल प्लेन पिंक है, और एक ये वाला थोड़ा सा फैंसी है, तो मुझे लग रहा है बर्थडे पार्टी है ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा गोल्डन के साथ। अच्छा आप लोग भी कमेंट से बताएगा कि तीनों में से मैंने जो है सही चूज़ करा या फिर नहीं किया, मुझे लगता है कि ये पार्टी के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे इसका भी अपना एक अलग जो है ना अपनी अलग बात है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगेगा पार्टी के लिहाज से। तो चलें जब रेडी होते हैं जहांगीर के लिए, ये शर्ट निकाली है, बात के कपड़े निकालती हूँ, ये बात के तो कपड़े ये रहे इसके अपने, जब बर्थडे हुई थी तो इसके अपने आए हुए। जी बेटा आपके यार निकाल दो कपड़े है ना, बात की ये वाले निकाल देती हूँ है ना, भले सिंगल करके पहन लो या डबल करके पहन लो मर्जी है ना। चलो तो बस वो आज का ही दिन था जिस दिन जो है ना हसन की बर्थडे थी, तो ये दूसरे दिन की क्लिप है मतलब के बर्थडे वाले दिन की, और बस अभी जो है ना मुझे गिफ्ट पैक करना था तो बस मैंने गिफ्ट पैक कर दिया, और साथ ही साथ जो है नमाज़ भी अदा कर ली थी, और बस अब रेडी होके जो है ना घर जाना है। अच्छा वैसे चीज़ें जो है ना पड़ी रहती हैं, लेकिन जब भी ना गिफ्ट पैकिंग वगैरह करने के लिए बैठो ना तो हमेशा जो टेपिंग मशीन होती है ना इसे टेप कटिंग होता है तो वो जो है ना हमेशा खो जाती है, तो इसलिए जो है ना मुझे एक गिफ्ट पैक करने में टाइम गए रेडी। और मैंने देखिए वाला सूट पहना, अच्छा पहले स्कार्फ जो ना मैंने वो गोल्डन के साथ वाला पहना, लेकिन हस्बैंड कहने लगे वो अच्छा नहीं लग रहा ये वाला पहन लो, फिर मैंने ये वाला पहना, और स्लीपर भी मेरी मैच हो चुकी है। चले हो गए रेडी निकले जहांगीर, चलो सुनिए आप रेडी हैं? और अक्सर जब भी हमारा कहीं जाने का टाइम होता है ना तो इस टाइम पे लाइट नहीं होती है, तो बाहर रोशनी होती है, अंदर जो है क्योंकि यूपीएस पे आप इतना लोड नहीं चला सकते हैं ना, तो बाहर जो है ना वो ज़्यादा अच्छी रोशनी हो रही होती है, अंदर जो है ना कमरों में ऐसा हो रहा होता है, इसलिए ज़्यादातर मैं जब भी कहीं जा रही होती हूँ तो बाहर इस मिरर पर ही वीडियो शूट कर रही होती हूँ, यहीं पर ही एक लाइट अच्छी होती है, और वीडियो जब तक अच्छी नहीं बनती जब तक लाइट अच्छी नहीं हो। तो आप भी रेडी हो गए? हाँ बेटा सही, सर पर रख लो, ये सर पर रख लो हमारे, बुरी बात है ये बात ऐसे नहीं करते हैं। खैर साफ हो रहे हैं, पीछे से दिखाओ उसको, बहुत अच्छे से साफ, इतने खैर इतने तो वो नहीं हो रहे ना ऐसे, गाड़ी में तो जाते हो तुम, मगर आपकी जो है ना ड्रेसिंग अच्छी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हो। और यहाँ पे ये हसन का जो है गिफ्ट भी पैक कर दिया था, कोई कार्ड वगैरह नहीं लगा पाई मैं क्योंकि कार्ड था ही नहीं, तो बस मैंने जल्दी जल्दी में यही पैक करा। चलें, उनकी तबीयत ख़राब हुई हुई है, तबीयत दवाई खा ली आपने? वायरस अब मुझे लग रहा है कि शायद अब एक एक करके जो है ना मुझे भी अब इबाद की सबसे पहले हो चुकी है तबीयत ख़राब, जहांगीर की भी हो गई, और अब आज इनकी भी हो गई, अब मुझे लग रहा है कि बस अब मेरा नंबर आने वाला है अल्लाह का। अच्छा तुम और मैं बचे हैं?
आई फ्लू हुआ था तुम्हें, मगर वायरस इसको तो बहुत लंबा चला था इसका तो, ये बात वाला, इसको तो एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रही थी इस पर, तो मुझे लग रहा डर, क्योंकि अगर मेरी होती है ना तबीयत ख़राब, फिर तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है, फिर पूरा घर जाता है इस वजह से। क्या मुझे अपने व्यूअर से एक बात करनी है। बोलो बोलो, आपके ऊपर ये कैमरा, बोलो। आपसे सवाल पूछना है मुझे। दो कर लो। मुर्गिया ही अंडा, वैसे आजकल ये वाला, आपको पता है मुर्गिया ही अंडा है पहले, पहले मुर्गिया ही अंडा, हमारा तो अंडा आया था आपका अंडा आया था, और जहांगीर आपका है, तो मुर्गी कैसे आई फिर बताओ कैसे? हाँ अंडा कैसे आता है? है? मुर्गी आई। तो फिर अंडा कैसे आया? अंडा कैसे आया? हाँ और मुर्गी कैसे आई? अंडा, लेकिन अंडे से, लेकिन पर अंडा आएगा मुर्गी से, मुर्गी आई देख। हाँ डायनासोर आया, मुर्गी बना। नहीं नहीं नहीं, इसका इसका जवाब आज तक किसी को मिला ही नहीं है भाई। कौन आया वैसे, आपको क्या लगता है अंडा आया मुर्गिया मुर्गी आई है? बताए ना, अंडा आया मुर्गी आई है? मुर्गी क्या था ये? हाँ है, तो मुर्गा मुर्गी कैसे ले आया और मुर्गा खुद कैसे आ गया? नहीं जनाब, इसका जवाब है ही नहीं अभी तक, ऑथेंटिक जवाब किसी के पास है ही नहीं। मम्मा ये भी एक सवाल है मेरा, कि पहले शाहिन आफरीदी आया, अब शाहिद आफरीदी, तो बस तो पाया तो नहीं पाया। ये तो दिखा दें आप, इस चीज़ का भी इस्तेमाल हमारे घर में बड़ा भाई जोशो खरोश के साथ होता है, ये बहुत काम की चीज़ है हमारे, तो हम फ्रिज में रख देते हैं अभी की गर्मियाँ थी ना, तो उसको फ्रिज में रखा हुआ तो कितनी यूज़ कर लिए इसे, अब जो ये आप भी लगा लो। अरे भाई तुमने अंडा ही निकाल डाला, रख दो उसको। मम्मा मैंने इसे भी गुलाबी बना दिया। ये बात इसको रख दो। अच्छा जी, ये टिन जो है ना चिल्तन का, बड़ा ही कोई अभी यूज़ होगा हमारे घर में, वैसे तो ये दूसरी तीसरी डिब्बी है इसकी। अच्छा गर्मियों में हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, अब तो मौसम सही हो गया, बाहर निकाल लो उसको, अब नहीं मेल्ट होगा ये गर्मियों में, क्योंकि मेल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है ना इसको फ्रिज में रख देते हैं गर्मियों में, सर्दियों में तो ये लाजवाब काम करता है, और ये लोग जो है ना इसको ज़रूर लगाते हो, ये बात तो इसको अपने चिक्स पर भी लगा लेता है। जहाँगीर आपने भी लगा लिया? तो ये जो ना नेचुरल बिल्कुल कलर देता है, अगर इसको जेंट्स भी यूज़ करते हैं ना तो बुरा नहीं लगता है ना, ऐसी है ना ऑकवर्ड नहीं लगता कि ऐसे कोई लिपस्टिक लगा ली, ऐसा लगता नहीं है। अब देखो कितना प्यार लग रहा है माशाल्लाह से, चलो निकलो। जहांगीर बेटा गिफ्ट उठा के लिए आओ, शाबाश, वो दरवाज़ा मत कर देना, वहाँ से बिल्ली ली आ जाती है। चलो जहांगीर आ जाओ बेटा, चाबी कौन सी कार की चाबी पूछ रहे हैं बाबा, किस बाइक की चाबी? अरे अपनी स्लीपर लिपर तो रख दिया करो एक तरफ, चलो इस पे लगवा दो, लगवा दो, बर्थडे कार्ड लगा दो। कितनी देर लगा दी? आम आना बंद हो गया। तो बस बर्थडे गिफ्ट्स पे जब तक बर्थडे कार्ड नहीं होता ना तो थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगता है, तो यहाँ पे बस हम लोगों ने दुकान से जो है ना कार्ड लगवाया। कौन सी वाली बर्थडे? फाइव बर्थडे, सिक्स बर्थडे, कौन सी है? कितने साल के हो गए आप? अरे 6 साल के हो गए आप, पता ही नहीं चला यार। जिस पे अम्मी नहीं है। हाँ वाकई अम्मी नहीं, ये 6 साल पहली बर्थडे। तो आसान है, इसकी बात की भी तो आई थी एक ऐसी बर्थडे जिसमें अम्मी पापा कोई भी नहीं थे, लाजिम बात, रो रही थी, मुझे रोना आ रहा था, अम्मी को याद करके हुई थी अम्मी से बात, बात हुई अम्मी से, कल हुई थी बात। अरे वाला सूट है मेरे ऐसा गिरी, मेरा ब्लू है। अच्छा मैं सोच रही थी, मैं कहा वाला ब्लू पहन लूँ, फिर मैंने मुझे पहना ही नहीं, मैंने मैं पता नहीं, मैं दिमाग ध्यान में आ रहा था क्या क्या बना लिया। ये अभी सूप रेडी कर रही हूँ, सूप रेडी नहीं हुआ। और इनकी तबीयत, इनको एकदम बुखार चढ़ गया कल, हाँ शादी में से आए ना कल रात को, क्या इसमें बन गई? अच्छा इसमें, अच्छा भी अधूरा अधूरा है, चावल भी गए हैं सही। हाँ कल शादी में से आए इनको रात को बुखार, ना स्पाइडरमैन करते हो गई तुम वाकई में ना, किसी दिन ऐसा ना हो आसन तुम रात को सो और सुबह तुम स्पाइडरमैन बने हो, वैसे अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे तुम? मम्मा देखिए जरा, फिर दुआ करोगे मैं इंसान बन जाऊं फिर से? मम्मा मेरे स्पाइडरमैन देखो जरा क्या हो गया स्पाइडरमैन को, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे देखते देखते इतने बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, जहांगीरी बात को, मोहसिन के बच्चों को देखती हूँ, हसन हुसैन को, तो यकीन नहीं आ रहा होता कि यार कल की सी बात थी, इतने छोटे छोटे होते थे बच्चे बिल्कुल गोद में, और आज माशाल्लाह से हमारे साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं,
हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। हसन माशाल्लाह से मोहब्बत भी बहुत करता है, बहुत ज़्यादा, पुप्पो पुप्पो कहते हैं, इसका मुंह नहीं सूखता, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वही बात है कि जब बड़ों में मोहब्बत ही होती है ना, तो बच्चों में भी कुदरती जो है ना वो मोहब्बत आ रही होती है, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो है ना मोहतर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जहांगीर तो बल्कि रहता भी जो है ना अम्मी के घर पर काफ़ी ज़्यादा रहता था, मतलब कि अभी जो है ये अब नहीं जाता है इतना ज़्यादा, लेकिन जब छोटा था ना जाने की, जब तक हसन नहीं हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा ये मोहतर के पास रहा है। तो अल्लाह पाक बस इन मोहब्बत वो कायम रखे, हासिदीन की बुरी नज़र से बचाए, और बस हमेशा अल्लाह पाक सबके घरों में जो ना सुकून और खुशियों भरा जो ना माहौल रखे, आमीन सुम आमीन। तो अभी माशाल्लाह से ये था कि सारे मेहमान जो थे ना वो आ गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, सब थे माशाल्लाह, बस अम्मी की कमी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तहसीन नहीं था सबकी। देखिए वही होता है कि जगह अपनी जगह होती है, और माँ जो होती है चाहे दुनिया पूरी इकट्ठी भी हो जाए ना, तो माँ की कमी जो होती है वो पूरी दुनिया मिलके भी जो है वो पूरी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ होती है कि अम्मी की बार बार हर चीज़ में कमी महसूस हो रही थी, और मोहतर भी बार बार इसी बात का जिक्र कर रही थी कि बहुत ज़्यादा जो है अम्मी के बिना एक जो है ना कमी लग रही है। तो बस ये है कि माशाल्लाह से वो भी अपने वहाँ पर खुश हैं, अपने घूम रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, और अब तो ये है कि जल्दी इंशाल्लाह आ भी जाएंगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, खाना जो था ना वो मोहतर ने केक कटिंग से पहले लगा लिया था, क्योंकि लाइट के कुछ इश्यूज़ थे, तो जिसकी वजह से जो ना गर्मा गर्म खाना ही जो ना पहले सर्व हो गया था, क्योंकि फिर गैस भी चली जाती है, लाइटें भी जाती हैं, तो इस वजह से वो खाना ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा बनाया हुआ था। सब चीज़ें दिल से बनाई हुई थी, तो बहुत अच्छी बनी हुई थी, हर चीज़ बड़ी जायके वाली बनी हुई थी। तो काफ़ी दिन बाद जो ना ये ऐसी गैदरिंग लगी थी, आई थिंक लास्ट जो इस तरह से हम लोग सब मिल बैठ के एक साथ हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था ना, वही बात की बज रही थी उसके बाद अभी हसन की। तो बस ये थोड़े से इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, तो ये होता है कि साथ मिल बैठ के जो ना अच्छी एक गपशप लग जाती है, वरना जो है ना सदाबा जी कब से बुला रही हैं कि घर आ जाओ घर आ जाओ, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब इस तरह की कोई दावत ही निकलती है ना, तो फिर सब मिल बैठ के एक साथ ये कि इन्जॉय कर लेते हैं, अपना वक्त को अच्छा बना लेते हैं। तो हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई, और अभी जो है ना मेरा बहुत दिन से जो है ना दिल चाह रहा था सुबह नाश्ते में जो है ना, हम इसको टाइयाँ कहते हैं, यानी खारे भी बोलते हैं बहुत से लोग ये खाने का। तो अभी जो है ना मैंने ये रास्ते से हस्बैंड से कहा कि यार ये दिला दें, सुबह जो है नाश्ता मैं इसी का करूँगी। तो किस किस को जो है ना ये खारे यानी कि टाइयाँ पसंद है नाश्ते में खाना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी अच्छी लगती है ना ये, कभी दिल करता है यानी कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है पराठे और डबल रोटी से हट के। तो आज का ब्लॉग ये था, उम्मीद है कि आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।